बुधवार को लखनऊ में हाई कोर्ट परिसर में एक बड़ी घटना होती है। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की कोर्ट परिसर में हत्या कर दी जाती है। ये वही गेट है जिससे जो आरोपी विजय यादव है वो दाखिल हुआ था। एक बड़ी घटना थी और इसके बाद जो है पूरा प्रशासन और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर बड़ा सवाल उठ गया था। उसके बाद जो घटना हुई थी उस हत्या वारदात में एक बच्चा, एक महिला और दो पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके बाद तमाम ऐसे जो सवाल थे वो उठे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। वकीलों ने भी इस पे बड़ा सवाल उठाया कि ये जो है वो कोर्ट परिसर में इस तरीके की जो हत्याएं हो रही हैं वो ठीक नहीं है। हम आपको बता दें कि ये जो घटना हुई थी वो जो सामने आ रहा है वो 1 करोड़ की डील का मामला, जो इसका महाराष्ट्र कनेक्शन की बात की जा रही है, उसमें जो आरोपी है विजय यादव, 1 करोड़ रुपये की डील इस हत्याकांड के लिए किया गया था और उसे एडवांस में भी कुछ पैसे दिए गए थे। और इसके बाद वो बहराइच पहुंचा था। बहराइच पहुंचने के बाद वो उसे अमेरिकन रिवॉल्वर उसे मुहैया कराई गई थी, जिसके बाद वो लखनऊ पहुंचा और इस घटना को अंजाम दिया। बताया ये जा रहा है कि जो विजय यादव है, जो आरोपी, वो इस पूरी घटनाक्रम के पहले उसने इस कोर्ट परिसर की रेकी की थी और तमाम जो घट जो वारदात करने से पहले जो भी चीज़ें थी उसे समझने की कोशिश किया था। इस पूरे घटनाक्रम पे एक सवाल उठता है कि सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। हालांकि गृह विभाग के निर्देश के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कोर्ट परिसर में तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो लगा दिए गए हैं। जो मेटल डिटेक्टर पे सवाल उठे थे कि वो ख़राब हैं और लगातार उसकी मांग की जा रही थी कि वो ठीक किया जाए, लेकिन ऐसे में जब ये चीज़ें नहीं हुई और इतनी बड़ी वारदात के बाद अब जो गृह विभाग ने जो निर्देश जारी किया है उसके बाद तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो जो संजीव माहेश्वरी है वो उसकी हत्या के बाद अब उनकी पत्नी पायल माहेश्वरी इस पूरे मामले को लेकर अपने ऊपर हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि मेरे पति की भी हत्या कर दी गई और मेरी और मेरे परिवार की भी हत्या की जा सकती है। तो इसको लेकर उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इस याचिका की सुनवाई आज जो सुप्रीम कोर्ट में होनी है, जिसके बाद ये सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश क्या देता है, सुरक्षा व्यवस्था उन्हें मुहैया कराई जाए या नहीं कराई जाए। लेकिन फिलहाल जो वकीलों के प्रदर्शन और उनके आंदोलन के बाद ये बात सामने आई कि सुरक्षा व्यवस्था कोर्ट की बढ़ाई जाए, इसको लेकर आज कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सुरक्षा व्यवस्था आगे ऐसी ही बनी रहेगी। कैमरामैन अरशद के साथ सत्यप्रकाश सिंह, लखनऊ, भारत एक्सप्रेस।